उपस्थित श्रोताओं, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं आपके सामने आर्य अष्टांगिक मार्ग इस विषय पर 8 प्रवचनों की मालिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने मुझे इसीलिए निमंत्रित किया है। सही में मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म प्रचार एवं प्रसार हेतु वे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग यह बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें पता है कि भगवान बुद्ध जब सारनाथ गए थे धर्म प्रचार या प्रसार करने के, तो सारनाथ में 5 परिव्राजकों को उन्होंने सर्वप्रथम जो धर्मोपदेश दिया, उपदेश दिया, उसी को ही धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या बुद्ध का प्रथम उपदेश कहते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, इसकी ये जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो हमें जानना अनिवार्य है। बौद्ध धर्म के प्रति हमें कुछ जानकारी हो या न हो, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक मार्ग है और यह मार्ग हमें सत्यता की ओर ले जाता है, सत्यता में एकरूप कर देता है। तो बुद्ध की इस शिक्षा को समझना यानी धम्म श्रवण करना है। तो आप यहाँ धम्म श्रवण करने आए हैं तो मुझे महामंगल सूत्र की एक गाथा याद आती है, 8वीं क्रमांक की गाथा है। गारवो च निवातो च संतुप्ति च कतयुता कालेन धम्म सवन एतम मंगल उत्तम। तो इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा पाना, नम्रता पाना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञता व्यक्त करना और समय समय पर धम्म को सुनना, यह मंगल या उत्तम कार्य है। तो आप सभी इस धम्म श्रवण का एक मंगल पवित्र कार्य करने आ रहे हैं, लेकिन आप जो धम्म श्रवण कर रहे हैं तो सही में धम्म श्रवण का आपको क्या लाभ होने वाला है? तथागत बुद्ध ने धम्म श्रवण सूत्र नाम का एक सूत्र कहा है। उस सूत्र में धम्म श्रवण के क्या लाभ है यह बताया है। तो कुल मिलाकर धम्म श्रवण के 5 लाभ या 5 फायदे बताए हैं। तो सर्वप्रथम है कि जिसको कभी हमने इससे पहले सुना नहीं, ऐसी कुछ नई बातें हमें सुनने को मिलती है। दूसरा फायदा है, जो हमने धम्म के बारे में इससे पहले सुना है उसी में और स्पष्टता आती है। तीसरा लाभ है, धम्म श्रवण से हमारे मन में धम्म के प्रति जो शंका कुशंकाएं है उससे हम मुक्त होते हैं। चौथा लाभ है, धम्म श्रवण से हमारे भीतर की जो मिथ्या दृष्टि है उससे हम बाहर आते हैं। और आखिरी 5वां जो लाभ है या फायदा है वो यह है कि धम्म श्रवण से हम आनंदित बनते हैं, हम सत्य के संपर्क में आते हैं और हम हमारा जीवन आनंदित करने लगते हैं। तो इस तरह से हम धम्म श्रवण से लाभान्वित होते हैं। और यदि हम बौद्ध हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, आर्य अष्टांगिक
मार्ग का आचरण करना चाहते हैं, तो इस तरह से हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग का यह महत्वपूर्ण शिक्षा जो है उसी का हमने अध्ययन करनी चाहिए। अभी थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं कि जब सर्वप्रथम बुद्ध सारनाथ में गए मृगदाय वन में, तब वे जब वे पांच प्रयागराजकों को मिले, तब बुद्ध ने यह बताया कि यह इस तरह की बातें हैं, दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार की बातें हैं, एक है काम भोग की और दूसरी है काय क्लेश की, दो सिरे की बातें हैं। एक प्रकार का आदमी कहता है कि खाओ पियो मौज करो क्योंकि एक दिन मरना ही है, दूसरे प्रकार की सिरे की बात लोग कहते हैं कि ये सभी काम वासनाएं उसका उच्छादन कीजिए क्योंकि ये पुनर्जन्म का जड़ है। तो बुद्ध कहते हैं यह दोनों भी सिरे की बातें मुझे मंजूर नहीं है और मैंने मध्यम मार्ग की शिक्षा का अवलंबन किया है और मेरे इस नई खोज मेरी यह मध्यम मार्ग की शिक्षा में आत्मा और परमात्मा से इसे कोई लेन देन नहीं है, कर्मकांड से भी इसी का कुछ संबंध नहीं है। आदमी और आदमियों का आदमियों के प्रति कर्तव्य यही मेरे शिक्षा का आधार है। यह मनुष्य मात्र दुख में है उनके दुख के अस्तित्व को स्वीकारना और उन्हें दुख से मुक्त करना यही मेरे धर्म का आधारशिला है। तो फिर परिव्राजकों को दुख से मुक्त करने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग यह शिक्षा दी है और यदि हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मालूम नहीं होगी तो हम धर्म मार्ग पर कैसे आरूढ़ होंगे, इसीलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा को हमें आत्मसात करना अनिवार्य है। तो मैं इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जो कहने जा रहा हूँ इसी का मूल स्रोत है उर्गेन संगरक्षी जी, उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग पर एक बहुत ही बड़ी किताब लिखी है, कई सारी भाषाओं में इस जगत में वे उपलब्ध हैं, कई सारे लोग उसी का अध्ययन करते हैं और वे मेरे टीचर हैं। रत्न बौद्ध महासंघ में इस अध्ययन पर बल दिया जाता है और लगभग एक साल तक इस सिलेबस को इस अभ्यासक्रम में हम मित्र हो या धर्मचारी हो इसी का अध्ययन हम करते रहते हैं और खास करके ये शिक्षा यही शिक्षा वर्षावास में दी है। तो आज यह वर्षावास के दिन है और आर्य अष्टांगिक मार्ग के जानकारी के लिए हम आगे आए हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ये 8 अंगों का मार्ग है। तो हम देखते हैं कि ये आर्य अष्टांगिक मार्ग कौन से है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इस तरह के यह 8 अंग है। तो इसे अंग कहते हैं तो एक तरह से एक साथ अलग अलग गुणों का हमारे विकास होते रहता है, इसी तरह से 8 अंगों से बना हुआ यह मार्ग है। इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का दो हिस्सों में दो भागों में विभाजन किया गया है, एक है दर्शन मार्ग और दूसरा है भावना मार्ग यानी संपूर्ण परिवर्तन का मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला अंग है सम्यक दृष्टि उसे दर्शन मार्ग कहते हैं और उर्वरित 7 अंग जो है सम्यक संकल्प से लेकर सम्यक समाधि तक उसे भावना मार्ग या संपूर्ण परिवर्तन का मार्ग कहा जाता है। और साथ साथ जिस तरह से हम देखते हैं यह दर्शन मार्ग है और भावना मार्ग है, उसी तरह से आर्य अष्टांगिक मार्ग इस महत्वपूर्ण शिक्षा का त्रिविध शिक्षा में भी विभाजन किया गया है। यह त्रिविध शिक्षा है शील, समाधि और प्रज्ञा। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का इस प्रमुख मूलभूत
त्रिविध शिक्षा में किस तरह से विभाजन किया है तो हम देखते हैं। तीसरी, तीसरा, चौथा और पांचवा जो अंग है जिसे हम कहते हैं सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, यह शील है। उसी के पश्चात छठवां, सातवां और आठवां जो है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और समाधि, उसे समाधि कहते हैं। और पहले जो दो अंग है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, इसे प्रज्ञा कहते हैं। तो शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त दुख मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए, संबोधि की ओर जाने के लिए यह मार्ग बुद्ध ने हमें दिया है। बुद्ध धर्म का अलग अलग सूक्तों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस तरह से हर सूक्त का शील, समाधि, प्रज्ञा में विभाजन होता है। और बुद्ध शील के बारे में कहते हैं, समाधि के बारे में कहते हैं और प्रज्ञा के बारे में कहते हैं। तो इस आने वाले कुछ दिनों में हम हर दिन अलग अलग अंगों पर देखने वाले हैं। तो अभी सर्वप्रथम हम आज के दिन आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो पहला अंग है सम्यक दृष्टि, उसी को देखने का हम प्रयास करेंगे। अभी सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण, सर्वांगीण, परिपूर्ण, इस तरह से सम्यक शब्द का अर्थ होता है। और दृष्टि का अर्थ होता है देखना। सम्यक दृष्टि को पाली में सम्मादिट्ठि कहते हैं और कुछ किताबों में इसी का वर्णन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान ये सत्यता का जो ज्ञान है, सत्यता का जो दर्शन है, सत्यता का जो प्रारंभिक स्वरूप का अनुभूति है या झलक है, उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो इस तरह की दृष्टि को प्राप्त करना ही धम्म जीवन है, क्योंकि जब तक इस तरह की दृष्टि हम प्राप्त नहीं करते तब तक हम सही तरह से धम्म मार्ग पर आरूढ़ नहीं होंगे। इसीलिए सम्यक दृष्टि को प्राप्त करना अनिवार्य है। अभी जीवन के तरफ हम जब देखते हैं तो कई सारे गलत गलत अलग अलग दृष्टियां कही गई है। बौद्ध परंपराओं में दृष्टि के अलग अलग सूची हम देखते हैं। जैसे कहते हैं कि दृष्टि सत्ताई दृष्टि है, अंतग्रह दृष्टि है, यानी सिर की दृष्टि है। तो सत्काय दृष्टि है, अंतग्रह दृष्टि है, विपर्यास दृष्टि है, सिल्वर परामर्श है, तो इस तरह से मिथ्या दृष्टि है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की दृष्टियां हम देखते हैं। लेकिन अलग अलग प्रकार की दृष्टि को यदि हम संभालेंगे और जब तक हम अपनी सही दृष्टि प्राप्त नहीं करेंगे तब तक सही तरह से हम इस धर्म मार्ग पर आरूढ़ नहीं होंगे। तो इसीलिए तीन प्रकार की दृष्टियां कही है, या तीन प्रकार की धारणाएं हम कह सकते हैं। तो गलत दृष्टि है या गलत धारणाएं हैं जीवन के बारे में, संसार के बारे में। उचित या सही धारणा या सही दृष्टि हो सकती है, और परिपूर्ण दृष्टि या संबोधि जिसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें गलत धारणाओं से मुक्त होना है और सही धारणाएं या सही दृष्टि को हासिल करना है। और गलत धारणा से सही धारणा की ओर हम बढ़ते हैं और सही धारणाओं से हम परिपूर्ण धारणा या परिपूर्ण दृष्टि को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो जब यदि हम गलत धारणाओं या मिथ्या धारणाओं में, मिथ्या दृष्टि में रहते हैं तो हमें जीवन का सही अर्थ मालूम नहीं होता। तो इस जीवन की सही धारणा को हमें प्राप्त करना है तो इस दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को या अस्तित्व का सत्य दर्शन जैसे है वैसे देखना। तो इसका मतलब क्या होता है? दृष्टि को प्राप्त करना और दृष्टि को हासिल करना, इसी का मतलब होता है कि हमारे भीतर जो भी कुछ काल्पनिक दृष्टि है, धारणाएं हैं, जिसी का अर्थ या
इस जिसी का अर्थ अपने अनुभव पर आधारित नहीं है या वास्तविकता भी नहीं है, ऐसी मिथ्या दृष्टि से हमें ऊपर उठना है और इसीलिए संसार को, इस जीवन को जैसे है वैसे देखना। प्राथमिक स्वरूप की जो अनुभूति आती है और संसार की जो कमतरता है, जो खामियां है, वो समझने के लिए जब हम बाध्य होते हैं तब हम इस संसार से, इस दुख से हम मुक्त होने की अपने का प्रयास करते हैं। तो अभी इस अस्तित्व को जैसे है वैसे देखने की कोई तरीके है, कोई पद्धतियां है, खास करके आर्य अष्टांगिक मार्ग में उर्गेन संघर्ष जी ने दो पद्धतियां कहा गई है, जिसे हम कहते हैं एक प्रतिमाओं के माध्यम से अस्तित्व का सत्य दर्शन का हम अनुभव कर सकते हैं और दूसरी पद्धति है सिद्धांत या कल्पना के माध्यम से हम इस दृष्टि को समझने का, अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आज हम इस संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो तीन प्रतिमा है वो कौन सी है जिससे हमें इस संसार का, इस विश्व का सही दर्शन, सत्य दर्शन होने के लिए फायदा हो सकता है। तो ये जो तीन प्रतिमा है उस प्रतिमाओं को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो तीन प्रतिमा है, पहली प्रतिमा है भवचक्र, दूसरी प्रतिमा है बुद्ध और तीसरी प्रतिमा है भवचक्र से निकाल कर बुद्धत्व कर बुद्धत्व तक पहुंचने वाले और जिसे कहते हैं मार्ग। तो भवचक्र ये मार्ग और बुद्ध ये तीन प्रतिमाएं हैं। तो भवचक्र यह अस्तित्व का एक दर्शन है। भवचक्र तिब्बतन परंपरा में यदि हम तिब्बती विहार में जाते हैं तो उनके विहार में बिल्कुल दर्शन या प्रवेश द्वार पर इसी का बहुत बड़ा चित्र लगाया जाता है। एक प्रकार से हम यूं कह सकते हैं कि यह भवचक्र अपने जीवन का आईना है और अपना जीवन इस दर्पण में हम जैसे वैसे देखने का प्रयास करते हैं। तो संक्षिप्त में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह भवचक्र वास्तविक क्या है। तो यह भवचक्र में चार गोल है, एक के अंदर चार, एक के बीच एक, इस तरह से चार गोल से बना हुआ यह संसार चक्र है या भवचक्र है। तो सर्वप्रथम उसके मध्य में जो गोल है, उसके मध्य में केंद्र में जो गोल है उसमें तीन प्राणियों का चित्र दर्शाया है, दिखाया है। वे तीन प्राणी कौन से है? एक है सांप, दूसरा है सुअर और तीसरा है मुर्गा। और ये तीनों प्राणियों ने एक दूसरे की पूंछ पकड़ी हुई है। तो इसका अर्थ है कि एक दूसरे को वे सहायता करते हैं। तो ये किसका प्रतीक है? और ये तीन प्राणी, ये तीन प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां है उसी का वो प्रतीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि सांप यह द्वेष का प्रतीक है, मुर्गा ये लोभ का प्रतीक है और सुअर यह अज्ञान का प्रतीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह भवचक्र का जो केंद्र बिंदु है या जो ये जो तीन जहर है, विष प्रवृत्तियां है, लोभ, द्वेष और अज्ञान, यही हमारा संपूर्ण भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन नियंत्रित करता है और इसी के आधार पर इस संसार में हम भवचक्र में या दुख में रहते हैं। तो फिर इसी पहले जो गोल है उसी के बाजू में दूसरा और एक सर्कल है या गोल है और उसी के दो हिस्से है, एक सफेद और दूसरा काला है। और इस तरह से कहते हैं कि जो काला अर्धगोल है वे नकारात्मक भावनाओं का दर्शन देता है। उसी में लोग नकारात्मक अवस्था में एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं और फिर वो नरक के तरफ, दुर्गति के तरफ उनकी यात्रा होती है। लेकिन ये जो सफेद अर्धगोल है
वहाँ पर लोग आचरण करने लगते हैं, सकारात्मक रहते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, तो फिर वे उनका मार्ग विकास की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से इस दूसरे गोल में विकास के ओर जाने का मार्ग है और अधोगति की ओर जाने का मार्ग है। जो काला हिस्सा है वे हमें अधोगति के तरफ ले जाता है और ये सफेद अर्धगोल है वे हमें विकास की ओर ले जाता है। उसके पश्चात जो तीसरा गोल आता है, उस तीसरे गोल में छह लोग दर्शाए हैं और छह लोग, छह को ये गोल थोड़ा बड़ा है, उसमें छह लोग दिखाई देते हैं। वहां पर देवलोक है, असुर लोक है, प्राणी लोक है, नरक लोक है, प्रेत लोक है और मनुष्य लोक है। तो ये अपनी मन की अलग अलग अवस्था है। कभी हम देव जैसे अच्छे रहते हैं, कभी हम मानव जैसे व्यवहार करते हैं, कभी हम प्राणी जैसे व्यवहार करते हैं, और इस अलग अलग अवस्थाओं से हम भटकते रहते हैं। और इसीलिए इस हर अवस्था से बाहर आने के लिए वहाँ बुद्ध का एक चित्र दिखाया जाता है। जैसे कि देवलोक में सफेद रंग के बुद्ध, जिसे विरोचना कहते हैं, वे हाथ में वीणा बजाते हैं। और वीणा यह अनित्यता का प्रतीक है, अनित्यता का निनाद, अनित्यता के स्वर यहाँ बुद्ध बताते हैं और देवलोक में रहने वाले लोगों को ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यह अनित्य है, इस सुख चैन में रहने से आप मुक्त हो जाइए। तो एक प्रकार से बुद्ध वहाँ अनित्यता का सिद्धांत या शिक्षा बुद्ध देते हैं और वहाँ उस मनोवस्थाओं से लोगों को बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं, वहाँ पर असुर लोग है और असुरी प्रवृत्ति यानी ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर एक पेड़ आया है, वे उन्होंने पेड़ लगाया है लेकिन पेड़ का फल देवलोक खा रहे और उनको बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वे क्या करते हैं, वे पेड़ को ही काट रहे हैं। तो ईर्ष्या से हम किसी की फायदे की बात अच्छी हमें नहीं लगती। तो इस ईर्ष्यालोक प्रवृत्ति को कम करने के लिए वहां पर एक हरे रंग के बुद्ध अवतीर्ण होते चित्र दिखाया है, उसे अमोघ सिद्धि कहते हैं और उनके हाथ में प्रज्ञा की तलवार है। उस तलवार से उनकी असुरी प्रवृत्ति को निकालने का वो प्रयास करते हैं। तीसरी जो मनोअवस्था है जिसे हम कहते हैं प्राणी लोग, तो यहाँ पर बुद्ध अक्षों के बुद्ध है, नीले रंग के, और वे वहां पर किताब या ग्रंथ दिखाते हैं कि आप अज्ञान, प्राणियों जैसे अज्ञान में मत रहिए, तो आप अध्ययन करके अभ्यास करके उस अज्ञान से बाहर आ जाइए। तो इस तरह से वहां बुद्ध दर्शाते हैं प्राणी लोक में। फिर हम आते हैं नरक लोक में, तो नरक लोक में राखट रंग के बुद्ध क्षितिगर्भ रहते हैं और वे वहां पर अमृत दर्शाया है कि आप इस नरक लोक से या इस यातना से, पीड़ा दायी जीवन से मुक्त हो जाए। नरक लोक से फिर हम यहाँ आते हैं दूसरे तरफ प्रेत लोक। यहाँ पर बुद्ध लाल रंग के बुद्ध है, बुद्ध अमिताभ कहते हैं, और वे अन्न वहां देते हैं ताकि उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो। और अंततः मनुष्य लोक है जहाँ पर बुद्ध रत्न संभव पीले रंग के है दर्शाए है और वे भिक्षा पात्र हाथ में लेते हैं और एक समाधान संतुष्टि का जीवन, मनुष्य ने किस तरह से जीना है, इस तरह से छह लोग, ये हमारी मन की अलग अलग अवस्था है। कभी हम असुर जैसे व्यवहार करते हैं, कभी हम प्राणी जैसे व्यवहार करते हैं, कभी हम प्रेत जैसे आलस्य में पड़े रहते हैं, कभी हम मनुष्य जैसे थोड़ा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट हमारी जो मनोवस्था है वो बदलती रहती है। और अंततः हम देखते हैं कि इस भवचक्र का जो आखिरी गोल है, आखिरी सर्कल जिसे हम कहते हैं, वे बहुत बड़ा है और उसी को ही बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। 12 निदानों की ये चैन है, श्रृंखला है, कड़िया है और एक कड़ी दूसरे कड़ी पर निर्भर है। अब ये 12 जो निदान है वे कौन से है, जो भवचक्र की आखिरी कड़ी है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम अविद्या और संस्कार है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायत्र,
स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, जरामर। इस तरह से 12 निदान है, लेकिन ये 12 निदानों का भी अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है। जैसे कि भव चक्र की पहली जो दो कड़ियां है, जिसे हम कहते हैं कि अविद्या और संस्कार, इसे भूतकाल के कर्म कहे गए हैं। भूतकाल की कर्म की प्रक्रिया होती है, भूतकाल के कर्म के कारण वर्तमान में परिणाम प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगले जो 5 कड़ियां है, जैसे अविद्या और संस्कार भूतकाल के कर्म है, तो विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना, यह जो 5 कड़ियां है या 5 विधान हम कहते हैं, तो यह वर्तमान का परिणाम है या वर्तमान का फल है। भूतकाल के कर्म का वर्तमान में फल होता है, लेकिन वर्तमान में कर्म भी होते हैं। तो इस तरह से आगे की जो कड़ियां है, तृष्णा के पश्चात उपादान और भव, तृष्णा, उपादान और भव, ये 3 कड़ियों को वर्तमान के कर्म कहे गए हैं। और फिर अगली जो अंत की जो 11वीं और 12वीं कड़ी है, जिसे हम कहते हैं जाति, जन्म, जरा मरण, ये 2 कड़ियों को भविष्य में उसका फल आता है। तो इस तरह से पहली 2 कड़ियां अविद्या और संस्कार जो है, ये भूतकाल के कर्म है। विज्ञान, राम रूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना, ये 5 उसके वर्तमान के परिणाम है, फल है। फिर तृष्णा, उपादान और भव, ये 3 जो कड़ियां है, वे वापस वर्तमान के कर्म होते हैं और उसी तरह से भविष्य में उसी का फल मिलता है। जन्म और मरण आता है, जन्म, जाति, जन्म और जरा मरण। तो इस तरह से भव चक्र प्रतित्य समुत्पाद कार्य कारण भाव को दर्शाता है। और सम्यक दृष्टि को पाना या हासिल करना, यानी इस कार्य कारण भाव को, कारण परिणाम प्रक्रिया को समझना ही सम्यक दृष्टि है। यह है इसलिए वो होता है, इसी की निर्मिति से इसी की निर्मिति होती है, यह नष्ट करने से वो नष्ट होता है। तो इस तरह से यह भव चक्र कार्य कारण भाव को दर्शाता है और उसी को ही हम कहते हैं यह भव चक्र की प्रतिमा से हम यहाँ कैसे फंसे हुए हैं। इस जन्म, जीवन, मरण की जो श्रृंखला है, जो चक्र है, उसी चक्र में हम किस तरह से घूमते रहते हैं, इस बात की सत्यता हमें होती है। अभी जिस तरह से हमने इस भव चक्र को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से जब हम जाते हैं दूसरी तरफ, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिमा है, उसे बुद्ध को प्रतिमा कही गई है। तो इस बुद्ध को प्रतिमा को जब हम देखते हैं, तो बुद्धत्व या संबोधि, यह ऐसी एक स्थिति है, ऐसी एक अवस्था है, निष्कलंक, पवित्र, शुद्ध, सुस्पष्ट, प्रज्ञा की अवस्था है, दुख मुक्ति की अवस्था है, निष्कलंक अवस्था है। और उसी अवस्था को पाना हमारा मकसद होता है। और हर एक बौद्ध का यह एक एम है, गोल है, ध्येय है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो हम कहाँ हैं, यह हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक तरह से भव चक्र में बंदिस्त हैं, दूसरी तरह से हम जब देखते हैं तो संबोधि यानी मुक्त होना, इस संसार चक्र से, इस दुख के चक्र से हमें मुक्त होना है। और हम बुद्ध जैसे बनना चाहते हैं, हम इस सभी संसार दुखों से, परिस्थिति से मुक्त होने के लिए जो प्रयास करते हैं, उस आदर्श के मुताबिक हमें उस आदर्श को पाना है। तो बुद्ध हमारे आदर्श है, क्यों बुद्ध हमारा आदर्श है, कि मैं जैसे मानव हूं वैसे वे मानव है। उन्होंने सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को नष्ट किया है, सभी प्रकार के मार्ग को पराजित किया है। तो जिसे बुद्ध ने पराजित किया, उसे मैं भी पराजित कर सकता हूं।
एक मानव को आया हुआ अनुभव मुझे भी आ सकता है। इसीलिए बुद्ध स्वयं कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं, मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं। इसी का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति में संबोधि की बीज बोए है, क्षमता है, उस क्षमता को पहचानना और बुद्धत्व के तरफ जाना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा जीवन का अंतिम ध्येय है। तो अभी हम यहाँ हैं चक्र में, भव चक्र में, हमें वहां पहुंचना है, तो यहां से वहां तक कैसे पहुंचना है, तो इसीलिए जो कहा बताया है वो मार्ग है, जिसे हम ऊर्ध्वगामी चक्रकार मार्ग कहते हैं। और ऊर्ध्वगामी चक्रकार मार्ग की भी जो कड़िया है 12 हम जानते हैं, जैसे कि दुख है, दुख से श्रद्धा निर्माण होती है, श्रद्धा से आनंद प्रमोद निर्माण होता है, प्रमोद से प्रीति, प्रीति से प्रसिद्धि निर्माण होती है, प्रसिद्धि से सुख निर्माण होता है, सुख से समाधि प्राप्त करते हैं, और समाधि से यथाभूत ज्ञान दर्शन, यानी इस संसार को जैसे वैसे देखने का ज्ञान, या जिसे हम दृष्टि का लाभ होता है। सम्यक दृष्टि के बाद निबिदा आती है, निबिदा के आधार पर वैराग्य निर्माण होता है, वैराग्य के आधार पर विमुक्ति आती है, और विमुक्ति के आधार पर आश्रय क्षय ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। और आश्रय क्षय ज्ञान सभी आश्रयों का, कामाश्रय हो, भवाश्रय है, अविद्याश्रय है, ये सभी प्रकार के आश्रयों का नष्ट होता है तो संबोधि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से जब हम इस मार्ग से संबोधि की तरफ चले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि भवचक्र में दुख है लेकिन सुख भी, दुख है सुख है, इस तरह से बार बार उस चक्र में हम घूमते रहते हैं। लेकिन ऊर्ध्वगामी ऊपर जाने वाला जब मार्ग आता है, तो एक अवस्था से उसी की ऊपर की अवस्था में हम चले जाते हैं, एक अच्छे जीवन की ओर हम बढ़ते रहते हैं, और संबोधि का और हमारा जो अंतर है वो हम कम करने लगते हैं। तो इस तरह से भव चक्र है, बुद्ध मंडल है या बुद्ध है, प्रत्यक्ष आदर्श और धम्म है या धम्म मार्ग है, और धम्म मार्ग पर जो बुद्ध की अलग अलग शिक्षाएं है, पंचशील की शिक्षा हो, आर्याष्टांगिक मार्ग की शिक्षा हो, महामंगल सूत्र की शिक्षा हो, हर शिक्षा का जो इस मार्ग पर हम अनुसरण करना चाहते हैं, उन शिक्षाओं को हम अपनी स्वयं के जीवन में ढालने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे संबोधि की तरफ बढ़ते हैं। तो यह मार्ग है, और यह मार्ग जब हमें संबोधि तक लेके जाने के लिए कार्यरत रहते हैं, तो इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जिस तरह की हम प्रतिमाओं के माध्यम से अस्तित्व का स्वरूप क्या है, क्योंकि आर्यष्टांगिक मार्ग का सम्यक दृष्टि में अपनी अस्तित्व का सत्य दर्शन जैसे है वैसा देखना, तो भवचक्र को हम देखते हैं, बुद्ध मंडल को हम पहचानते हैं, समझते हैं, और फिर मार्ग को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इन बातों को समझने के कोई सिद्धांत है, कोई शिक्षा है, तो अभी उन शिक्षाओं की तरफ थोड़ा हम लक्ष्य देंगे। तो सर्वप्रथम दो सिद्धांत के बारे में हम सोचेंगे। एक बात है चार आर्य सत्य, और दूसरी शिक्षा है या सिद्धांत है या कल्पना है, वे है संस्कारित अस्तित्व के 3 लक्षण। तो अभी हम इस चार आर्य सत्यों को सबसे पहले देखेंगे। तो चार आर्य सत्य क्या है, तो बुद्ध कहते हैं 5 परिव्राजकों को, सर्वप्रथम है दुख, यह आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, दुख का कारण क्या है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी दुख का नाश संभव है। और चौथा आर्य सत्य कहा गया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यानी दुख निरोध के ओर बढ़ने वाला मार्ग, जिसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपद कहते हैं। तो अभी ये चार आर्य सत्यों को जब हम देखते हैं और ये 3 प्रतिमाओं को हम जब देखते हैं, तो चार आर्य सत्यों का और ये 3 प्रतिमाओं का आपसी क्या संबंध है, इसी को थोड़ा देखने का हम प्रयास करेंगे।
तो हम इस तरह से देखते हैं कि ये जो भव चक्र है जिसमें लोभ द्वेष अज्ञान से भरा हुआ है उसी पर वो नियंत्रित होते हैं। कुछ काला हिस्सा है, सफेद हिस्सा है, अलग अलग प्रकार की मनोवावस्थाएं है, लोग है, और फिर प्रतित्य समुत्पाद हम कहते हैं। तो बुद्धा ऐसे कहने का प्रयास करते हैं कि यह भव चक्र चार आर्य सत्यों में पहले जो दो आर्य सत्य है जिसे हम कहते हैं कि दुख और दुख का कारण समुदाय, यह आर्य सत्य ये भव चक्र से संबंधित है। क्योंकि भव चक्र में दुख भी है और दुख का कारण भी है, और हमारे दुख का कारण क्या है? लोभ द्वेष मोह, यही दुख का कारण है, तृष्णा ही दुख का कारण बुद्ध कहते हैं। तो इस तरह से पहले दो आर्य सत्य दुख और दुख समुदाय यानी दुख का कारण यह भव चक्र से संबंधित है। अभी तीसरा जो आर्य सत्य हम देखते हैं दुख निरोध, तो दुख निरोध इस आर्य सत्य का जो संबंध है वो बुद्ध मंडल से आता है या बुद्ध से आता है, क्योंकि दुख का निरोध संभव है यह बुद्ध हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है, एक उदाहरण है कि बुद्ध ने स्वयं के प्रयासों द्वारा इस सभी प्रकार के दुखों से वे मुक्त हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं, संबोधि प्राप्त की है। तो इस तरह से तीसरा आर्य सत्य हमें इसकी जानकारी देता है कि दुख का संभव निश्चित है, और बुद्ध स्वयं कहते हैं जिस तरह से प्रयास मैंने किया है और इस संसार से इस दुख चक्र से मैं मुक्त हुआ हूं, उस तरह से हर मानव इस संसार में दुख मुक्त होने का संभावना है। तो इस तरह से यह दूसरा तीसरा जो आर्य सत्य है दुख निरोध, यह हम बुद्ध से जोड़ते हैं। और चौथा और आखिरी जो सत्य है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख नष्ट करने का जो मार्ग है जो भव चक्र से निकलता है और बुद्धत्व तक पहुंचता है जिसे हम रुद्रगामी मार्ग कहते हैं, जो हमें संबोधि तक ले जाता है, उस मार्ग का अनुसरण करने से। लेकिन इस मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि की जो प्रारंभिक अनुभूति आती है, संसार की सत्यता को हम समझने लगते हैं, तो हम इस मार्ग पर चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए सही अर्थ से तैयार होते हैं। और जब तक हम सत्यता को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तब तक सही तरह से हम इस मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। तो अभी चार आर्य सत्यों के बारे में संक्षिप्त में हम देखेंगे क्या है दुख। प्रथम आर्य सत्य, तो बुद्ध ने दुख की कुछ श्रृंखला बताई है। बुद्ध कहते हैं जन्म भी दुख है, बुद्ध कहते हैं जरा यानी बुढ़ापा भी दुख है, बुद्ध कहते हैं व्याधि भी दुख है यानी बीमारी दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है यानी बुढ़ापा, व्याधि दुख है, अप्रिय व्यक्ति का संयोग आता है तो हमें दुख होता है, प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है तो हमें दुख होता है, और मन चाहे बातें ये असमाधान का दुख है, मन जैसे होता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जब हम अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे निजी जीवन का अनुभव है। जब हम बीमार होते हैं तो हमें दुख होता है, जब किसी नजदीक का व्यक्ति चला जाता है तो हमें दुख होता है, जब हम बुढ़ापे की वेदनाएं अनुभव करते हैं तो हमें दुख होता है। तो इस अलग अलग प्रकार के दुख का अनुभव, दुख की अनुभूति स्वयं बुद्ध ने भी ली थी, और इसीलिए बुद्ध जब राजपुत्र थे तब उन्होंने एक बीमार आदमी देखा है, एक बूढ़ा आदमी देखा है, एक मृत आदमी देखा है, और उन्होंने उन बातों को देखकर उन्हीं को अपने स्वयं को लगाकर देखा। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि का जो उगम है, आरंभ है, वो हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटती है उसी के आधार पर हमें सत्यता का दर्शन होने लगता है। जीवन में कुछ हादसा होता है, कभी बाढ़ आते हैं, कुछ घर निकल जाते हैं, कुछ अपना मकान उसी में बाढ़ में चले जाता है, कभी आग लगती है तो हादसा होती है, तो हर बात से हम यह अनुभव करते हैं कि जीवन में बहुत सारा दुख भरा हुआ है।
पर अलग अलग जीवन की जो स्थितियां है, बचपन से बुढ़ापे से बीमारी से हम देखते हैं, तो हमें इन बातों का पता चलता है कि सही में संसार दुख भरा है। संसार को संसार में दुख है यही समझना ही अंतर्दृष्टि का लाभ है। जब तक हम इसी को ही स्वीकारते नहीं, तब तक हमें सही में धर्म आचरण की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इस तरह से पहला आर्य सत्य, जब हम दुख देखते हैं तो यह दुख हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बनता है। अभी आर्य दूसरा जो आर्य सत्य है, दुख समुदाय। तो हमें यह जानना चाहिए कि सही में मेरे जीवन में क्यों दुख है, मैं दुखी क्यों हूं। तो बुद्ध ने सबसे पहले दुख का कारण बताया है, तृष्णा, यही दुख का कारण है। तृष्णा ही आदमी को जन्म देती है, तृष्णा से ही हम इस भवचक्र में आते हैं। और जब हम इस भवचक्र को देख रहे थे और ये भवचक्र के जो मध्य में तीन प्राणी हम देखते हैं, वे हमारा दुख का कारण है। हमारे भीतर द्वेषमूलक प्रवृत्ति है, हमारे भीतर लोभ की प्रवृत्ति है, और हमारे भीतर कई सारा अज्ञान है, कई सारी गलत धारणा है, कई सारी गलत दृष्टियां है। तो इस वजह से हम इस संसार में दुख भुगतते हैं। तो इस सत्य को जब हम समझने लगते हैं, इस वास्तविकता को जब हम स्वीकारते हैं, तो हमारी श्रद्धा बुद्ध पर बढ़ती है। तो तीसरे आर्य सत्य के पर हम जाते हैं, दुख का निरोध। दुख निरोध, दुख निरोध संभव है, दुख नष्ट हो सकता है, इन बातों की तरफ हम चले जाते हैं। तो इस तरह से चार आर्य सत्य और आखिरी आर्य सत्य जो है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, इस मार्ग पर जब प्रारंभिक अनुभव हमें आता है, तो संसार के प्रति का हमारा आकर्षण कम होने लगता है, और फिर सही दिशा में हम धम्म मार्ग पर शील समाधि प्रज्ञा का अनुसरण करने लगते हैं। तो हमारा जो हमारी जो यात्रा है, ये निर्वाण के तरफ, संबोधि के तरफ, बुद्धत्व के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, यानी उत्तरोत्तर हम सुख की ओर बढ़ने लगते हैं, और दुख की मात्रा, निराशा, उदासीनता, इन नकारात्मक अवस्थाओं से हम मुक्त होने लगते हैं। तो इस तरह से चार आर्य सत्यों को हम इन तीन जो प्रतिमा है उसी के आधार पर हम देख रहे हैं। तो इस तरह से हम जब ये तीन जो अलग अलग प्रतिमा है, तो इस प्रतिमाओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चार आर्य सत्य जो है, चार आर्य सत्य के बाद तीन लक्षण है। अस्तित्व के जो संस्कारित अस्तित्व के जो तीन लक्षण है, जिसे हम कहते हैं दुख, दुख है, अनित्य है और अनात्मा है। तो अभी हम जिस तरह से चार आर्य सत्यों को देख रहे थे, चार आर्य सत्यों का संबंध हमने ये जो तीन प्रतिमाएं है उसी के साथ लगाया है। जिस तरह से पहले दो आर्य सत्य भवचक्र है, दुख और दुख का कारण हम संसार में देखते हैं, दुख का निरोध संभव है, यह हम अपने आदर्श के तरफ देखकर हमारा हौसला बढ़ता है कि यस, मैं भी दुख से मुक्त हो सकता हूँ। और चौथा आर्य सत्य जो है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, यदि संसार की कमतरता को हम महसूस करते हैं, उसी की जो दुख है वो हम समझने लगते हैं और धम्म मार्ग पर हम आचरण करने लगते हैं, तो फिर हम इस मार्ग पर अरूढ़ होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस संसार को और सही तरह से देखने का और एक तरीका बुद्ध ने जो कहा है, वे है दुख, अनित्य और अनात्म। तो जिस तरह से हमने दुख पहले आर्य सत्य में भी दुख देखा है, लेकिन यहाँ पर बुद्ध ने और अलग तरह से दुख को बताया है। ऐसे कहते हैं कि तीन प्रकार के दुख है, जिससे हम कहते हैं कि पहले प्रकार का दुख है शारीरिक दुख, काटना, पेट में दुखना, शारीरिक पीड़ा होना, उसी को हम शारीरिक दुख कहते हैं, शरीर से होने वाली पीड़ा। दूसरे प्रकार का जो दुख हम अनुभवते हैं, उसे हम कहते हैं कि सुप्त दुख। सुप्त दुख इस तरह से कि विद्यमान
जिन चीजों से, जिन परिस्थिति से, जिन बातों से हमें हम सुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसी के नीचे सुप्त में, उसी में छुपा हुआ है दुख, क्योंकि उसमें दुख निर्माण करने की क्षमता है। क्योंकि जो सुख हम उस चीजों से पाते हैं वो क्षणिक है, और कुछ कारणवश वो परिस्थिति बदलती है और फिर हम दुख की ओर बढ़ते हैं। तो इसे सुप्त दुख कहते हैं। सुप्त दुख का अर्थ होता है जो भी कुछ चीज मुझे विद्यमान, फिलहाल वर्तमान स्थिति में सुख दे रही है उनमें दुख की क्षमता है, और कुछ समय के बाद वही स्थिति या वही परिस्थिति मुझे दुख में डालने वाली है, इसी को समझना। और तीसरे प्रकार का जो दुख हम देखते हैं, तो तीसरे प्रकार का दुख है तात्विक दुख। बुद्ध कहते हैं संसार की कोई भी वस्तु मात्रा हमें हमेशा के लिए सुख निर्माण नहीं कर सकती। हर चीज अनित्य है, इसी को जब हम देखते हैं परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाली है, तो फिर हर चीज में दुख की क्षमता है। तो संसार की कोई भी चीज हमें सही तरह का आनंद या सुख नहीं दे पाती। इसीलिए बुद्ध स्वयं इतने वैभवशाली महल में रहते थे, इतना धन वैभव था, फिर भी सभी का उन्होंने त्याग किया, क्योंकि असमाधान नाम की चीज वे स्वयं महसूस कर रहे थे। तो संसार में कितनी भी बातें, भौतिकता हमें प्राप्त हुई होगी, लेकिन यही भौतिकता जीवन में सही सुख नहीं दे पाती, क्योंकि सूक्ष्म स्वरूप से जीवन में असमाधान, अपरिपूर्णता हम महसूस करते हैं। तो ये सभी भ्रामकताओं से जब हम इन्हें समझने लगते हैं तो इसे हम दुख कहते हैं। दूसरी जो बात है अनित्यता। हर चीज उत्पन्न होती है, कुछ काल रहती है, नष्ट होती है। उत्पन्न होना, कुछ काल रहना, नष्ट होना, उत्पत्ति स्थिति और लय, हर एक चीज नष्ट होने वाली है, हमसे दूर जाने वाली है। इस अनित्यता के सिद्धांत से हमारी वस्तुओं के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वे कम होने लगती है। हम अपने स्वयं के अंगों से देखते हैं कि जो प्रिय मेरी व्यक्ति थी वो अभी मेरे साथ नहीं है, मेरे बाल झड़ गए हैं, मैं युवा था अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो हर बात परिवर्तनशील है, बदलने वाली है, अनित्य है, और जिन चीजों को मैं प्रिय करके मेरे साथ रखता था आज वे चीजें मेरे साथ नहीं है, मेरे पिताजी आज मेरे साथ नहीं है जो मुझे प्रिय लगता था। तो इस तरह से हर बात हमसे एक न एक दिन अलिप्त होने वाली है, अलग होने वाली है। इस अनित्यता से हमारी तृष्णा, आसक्ति और संसार के प्रति का हमारा आकर्षण कम करने लगता है। तो इस तरह से भी हम अनित्यता को देख सकते हैं। और फिर अनात्म। तो बुद्ध ने जब परिव्राजकों को कहा था आत्मा और परमात्मा से मेरे इस मध्यम मार्ग की शिक्षा में कोई लेन देन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो इसी का अर्थ है कि बुद्ध ने ईश्वर का अस्तित्व को नकार दिया और आत्म के अस्तित्व को नकार दिया। तो ईश्वर को हम सहजता से समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर को मानना जिस तरह से आध्यात्मिक विकास में बाधाएं निर्माण करती है, उसी तरह से आत्म को मानना यही हमारे लिए बहुत बड़ी बाधाएं निर्माण होती है। अक्सर आत्मा क्या है, वैसे देखा जाए तो आत्मा की अलग अलग व्याख्याएं की है। आत्मा को हमने देखा नहीं है, हम देखते नहीं है, और जो कल्पना है उसी के ऊपर भरोसा रखना ही अज्ञान है। और आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि का अर्थ है इस अविद्या से, इस अज्ञान से हमें बाहर आना है। तो इस तरह से जब हम इन तीन बातों को देखते हैं कि संसार में दुख है, संसार में अनित्यता है और अनात्म है, और इन तीन लक्षणों के साथ इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का जब हम पहले अंग के तरफ देखते हैं, तो पहले इस सम्यक दृष्टि का हमें उगम करने के लिए तीन प्रकार की बातें सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण है। जब कभी भी हम धम्म का अध्ययन करते हैं और हमें सत्यता को पाना है, तो तीन प्रकार से इस प्रज्ञा को या अस्तित्व के सत्य दर्शन को हम देख पाते हैं, उसी को हम तीन प्रकार की प्रज्ञा कहते हैं। श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। ये तीन प्रकार की जो प्रज्ञा है, तो धम्म को हमने गहराई से सुनना चाहिए। सुनने से जो हमें प्राप्त होती है उसे हम श्रुतमय प्रज्ञा कहते हैं।
मैं धम्म कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनते समय बड़ी एकाग्रता से, बड़ी जागृति से, तहे दिल से, मन से हम सुनते हैं तो हमें सत्यता का दर्शन संभव है। और इसीलिए बुद्ध के संघ को श्रावक संघ कहते हैं, जो सुनने वालों का संघ होता है। तो इस तरह की सत्यता को प्राप्त करना, सही ज्ञान को प्राप्त करना, सुनने से हमें सत्यता का दर्शन होता है। लेकिन केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब हम किसी धम्म को, तत्व को सुनते हैं तो दूसरे प्रकार का चिंतन है, प्रज्ञा है, चिंतनमय प्रज्ञा। जो भी कुछ हम सुन रहे हैं उसी के ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए। और चिंतन के जरिए कि जो मैं कुछ सुन रहा हूँ उससे मेरे जीवन के लिए कुछ लाभ है, परिवर्तन के लिए कुछ फायदा है, क्या इस बातों को मेरे जीवन से क्या संबंध है, मेरे अनुभव से किस तरह से यह बात जुड़ी हुई है। तो इस तरह से चिंतन के सहारे हम जिस शिक्षा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसी को हमारे जीवन में हम डालने का प्रयास कर सकते हैं। और आखिरी जो प्रज्ञा है उसे कहते हैं भावनामय प्रज्ञा। भावना का अर्थ होता है विकास, परिवर्तन, और भावना का अर्थ होता है यह बुद्ध की प्रज्ञा है। और जब इन सभी शिक्षा को हम सुनते हैं, उसी को हम हमारे जीवन में डालने का प्रयास करते हैं, उसी के ऊपर हम चिंतन करते हुए उन शिक्षाओं से हमारे जीवन में परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, जो प्राथमिक स्वरूप की अनुभूति हमें आती है उस अनुभव के आधार पर, क्योंकि हम यूं भी कह सकते हैं कि यह सम्यक दृष्टि संपूर्ण आर्याष्टांगिक मार्ग की नींव है, फाउंडेशन है। और इस नींव के आधार पर, इसी के आधार पर हमारा संपूर्ण धार्मिक जीवन निर्भर होता है। तो इस प्राथमिक स्वरूप की, प्रारंभिक स्वरूप का जो हमें अनुभव आता है, जीवन की सत्यता को हम देख पाते हैं। संस्कारित अस्तित्व के ये तीन लक्षण जो है संस्कारित अस्तित्व दुखमय है, संस्कारित अस्तित्व अनित्य है, संस्कारित अस्तित्व अनात्म है। और जिस तरह से हम चार आर्य सत्यों को समझने लगते हैं कि संसार में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग भी है, और इस तरह के भावना में प्रज्ञा में जब हम आते हैं तो प्रत्यक्ष उस तरह से हम बनते हैं, प्रत्यक्ष हमारे संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आता है। तो आने वाले कुछ दिनों में प्रत्यक्ष हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए जो दर्शन हमें हुआ है, जो सत्यता का आकलन, ज्ञान संसार के प्रति हमने आज पाने का प्रयास किया है, उन्हीं बातों को हम अपने उर्वरित जीवन में ढालने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसी आशा है कि संस्कारित अस्तित्व किस तरह का है, हमारा प्रत्यक्ष जीवन किस तरह से हुआ है उसी को हम अनुभव करते हैं, और कल हम देखेंगे। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर चिंतन कीजिए, जो भी कुछ हमने श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उसी पर आप चिंतन की करते रहेंगे, और चिंतन के साथ साथ उन्हीं बातों को हम अपने स्वयं के जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे, तो सम्यक दृष्टि को प्रत्यक्ष हमारे जीवन में उतारने के लिए हम कार्यान्वित बनेंगे। इतना ही कहकर मैं आज का यह प्रवचन संपन्न करता हूँ। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसलिए सभी को धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।